हमारे समाज के मुंह पर मुंहता जा रहा है और उसको हम रोकने की बात करते हैं तो जातिवाद आ जाता है। अरे कहां से जातिवाद आ गया? जातिवाद क्या हमने बनाया? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र कभी दूध नहीं पी सकता, शूद्र घी नहीं खा सकता, शूद्र अच्छे मकान में नहीं रह सकता, शूद्र शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रख सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। ओबीसी ही तो ब्राह्मणवाद की लहज को ढो रहा है, ओबीसी और मनुवाद की लहज को ढो रहा है। बहुत बढ़ा रहा है बुद्ध जिम, जगन्नाथपुरी का मंदिर हमारा उस पर कब्जा करे बैठा है, बुद्ध गया का मंदिर हमारा उसमें शिवलिंग लगा दिया है, बड़ा बहुत कब्जा कर रहा है। और साकेत जो है अयोध्या में वो पूरी की पूरी हमारी बौद्धों की जमीन है, उस पर कब्जा करे बैठा है। और आप कह रहे हैं बुद्धिज्म बढ़ा रहा है, बुद्धिज्म कब बढ़ता है? जब मोदी जी जापान जाते हैं। बुद्धिज्म कब बढ़ता है? जब वो बर्मा जाते हैं। देखो भाई, वो संविधान भी बदलेंगे, संविधान के आर्टिकल भी बदलेंगे, संविधान की धारा भी बदलेंगे, संविधान के जितने भी विधेयक हैं उनको भी बदलेंगे। क्यों? कि गवर्नमेंट उनकी है, विधायिका उनकी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों का दो तिहाई बहुमत उनका है। वो जो कुछ भी अंड बंड कहें वो सब कुछ करेंगे। लेकिन अब क्या है कि ये जो 135 136 जो गले में पट्टा बांध के बैठे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब सीट से चुन के जाते हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब भैया 2024 में यदि इन लोगों को विधायिका से बाहर निकालना है, पार्लियामेंट से बाहर निकालना है, तो सारे लोगों को बीजेपी के खिलाफ एक जगह इकट्ठा होकर संगठन बनाकर इस देश को बचाना होगा। सर मोदी जी तो खुद पिछड़े हैं, और क्या कह रहे हैं? और संविधान, वो पिछड़े नहीं है, वो आंकड़ों से भी ज्यादा आंकड़े हैं। ये संविधान बदलेगा तो तुमको मालूम है कि ये जो यहां पर 85% लोग हैं इनके पीछे झाड़ू और आगे हाड़ी हो जाएगी। संविधान बदलेगा तो उससे कोई अनुसूचित जाति को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उससे नुकसान यहाँ के मुसलमान को पहुंचेगा, यहाँ के ईसाई को पहुंचेगा, यहाँ के पारसी को पहुंचेगा, यहाँ के जैन को पहुंचेगा, यहाँ के सिख को पहुंचेगा, यहाँ के बौद्ध को पहुंचेगा, यहाँ के अम्बेडकरवादी को पहुंचेगा, और यहाँ के तमाम जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको पहुंचेगा। ओबीसी तो मालामाल हो जाएगा। ओबीसी तो मालामाल क्या, उसके पास अभी सोच ही नहीं है। ओबीसी ही तो ब्राह्मणवाद की लहज को ढो रहा है, ओबीसी और मनुवाद की लहज को ढो रहा है। आप देख लेंगे 99% जो जुल्म होता है वो कौन करता है? गुजर करता है, जाट करता है, यादव करता है। ये ओबीसी को जानना चाहिए कि दलित समाज और बहुजन समाज तुम्हारा भाई है और वो ब्राह्मण और मनुवादी लोग तुमको लड़ाना चाहते हैं। और इनकी औकात तो ओबीसी की जब मालूम पड़ गई कि सबसे पहले ओबीसी के लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया, पैसा दिया, धन दिया, समय दिया, सब कुछ दिया, लेकिन देखा कि न्यास में एक भी ओबीसी का आदमी नहीं। मंदिर का जब पूजा होगी तो एक भी आदमी को बुलाया नहीं, भूमि पूजन हुआ एक भी आदमी को बुलाया नहीं, निर्माण कमेटी बनाई एक भी आदमी को बुलाया नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ओबीसी जो पढ़ा लिखा है वो अब जान रहा है कि हमारा कहां पर सबसे ज्यादा हमारा शोषण हो रहा है। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो किसी ब्राह्मण, किसी व्यक्ति ने, मुसलमान ने, ईसाई ने, सिख ने विरोध नहीं किया, दलित ने विरोध नहीं किया, और इनका विरोध किया तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण ने किया। छात्रालयों पर झगड़े हुए, उनके ऊपर हमले हुए। भंते जी नूह में नहीं देखे, मेवात में हिंदू जूट नहीं है, इसलिए मुसलमानों पर आरोप है कि हमला कर दिया। नहीं देखिए, वहां मुसलमानों पर हमला किया या उन पर हमला किया, ये किसने हमला किया? जो बजरंगी है उसने गलत सलत बोलकर उसने हमला करवाया,
और जब पहले से निर्धारित रूट था कि इस रूट से आप कभी नहीं जाएंगे, ना पहले गया है, लेकिन बजरंगी लोग और आरएसएस के लोग मुसलमानों के साथ हैं। है कौन? हम मुसलमानों के साथ नहीं, हम इंसानियत के साथ हैं, हम सही बात के साथ हैं। हम ना मुसलमानों के साथ हैं, ना ब्राह्मणों के साथ हैं, जो सही बात है हम उसके साथ हैं। तो बजरंग दल तो राष्ट्रीय राष्ट्रवादी संगठन है। बजरंग दल बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, जो त्रिशूल बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, और सबसे ज्यादा जुल्म अत्याचार वही कर रहे हैं। बजरंग दल में कौन है? बजरंग दल का तो सबसे बड़ा नेता वो है, वो अयोध्या का क्या नाम है, विनय कटियार। विनय कटियार है सबसे बड़ा नेता, और उसको निर्माण कमेटी में नहीं रखा, उसको किसी में नहीं रखा, उसको अपनी औकात याद आ गई। कल्याण सिंह को भी आ गई, उमा भारती को भी आ गई, और विनय कटियार को भी आ गई। एससी एसटी ओबीसी भी तो हिंदू है भंते जी, वो चाहता है हिंदू राष्ट्र बने। ओबीसी एससी हिंदू है, वो हिंदू राष्ट्र चाहता है, तो पीछे झाड़ू बंधवाओ, अपने शिक्षा का अधिकार खत्म करो, धन अर्जन का अधिकार खत्म हो जाएगा, लड्डू पूरी पूरा खाने का अधिकार खत्म हो जाएगा, बादाम मिलना बंद हो जाएगा, दूध पीना बंद हो जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र कभी दूध नहीं पी सकता, शूद्र घी नहीं खा सकता, शूद्र अच्छे मकान में नहीं रह सकता, शूद्र शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रख सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। तो हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा है, इनको मालूम पड़ जाएगी। आप जातिवाद फैला रहे हैं। ये जातिवाद है, यदि हम अत्याचार को रोकने की बात करते हैं तो जातिवाद आ जाता है, और हमारी मूछ रखने पे हमारी हत्या हो जाती है तो जातिवाद नहीं होता है। हमारे समाज के मुंह पर मूता जा रहा है और उसको हम रोकने की बात करते हैं तो जातिवाद आ जाता है। अरे कहां से जातिवाद आ गया? जातिवाद क्या हमने बनाया या जातिवाद को हम मानते हैं? जातिवाद तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने मुर्मू को ये पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ नहीं बुलाया, और जगन्नाथपुरी के मंदिर में रामनाथ कोविंद को अंदर नहीं जाने दिया। क्या हमने उनको रोका? कोविंद को हमने रोका? क्या मुर्मू को हमने नहीं बुलाया? और मुर्मू वहां पर एक मंदिर में और गई थी, वहां पर भी उनको नहीं घुसने दिया। राजनीति कर रहे हैं, किस पार्टी से हैं? अरे हम राजनीति कर रहे हैं कि हम समाज नीति कर रहे हैं? हम काई पार्टी से नहीं, हम बहुत बिच्छू हैं, हम सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं, आप मेरे को राजनीतिक बता रहे हैं। अरे भाई, अरे अरे भाई मेरी बात सुनना, ये बता संस्कृत में बोलता है कोई राजनीतिक आदमी बुद्धिज्म पे बोलता है तो क्या वो बुद्धिस्ट हो गया क्या? आप हिंदू विरोधी हैं। अरे क्या कोई बाइबिल पर बोलता है तो ईसाई हो गया क्या? बंते जी अभी आपने कहा कि ये जो 131 पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एससी एसटी के बैठे हैं, इनके गले में पट्टे पड़े हुए हैं, आप पूरे देश का भ्रमण करते हैं, क्या दो चार नाम आप ऐसे बता सकते हैं जिनको अंबेडकरवादी आपकी नजर में, जिनको चुन करके पार्लियामेंट में भेजा जाए? हाँ मेरी नजर में है ऐसे लोग, ये सबसे पहले बहुत दिन से 30-40 साल से काम कर रहे हैं हमारे केपी चौधरी, ऐसे लोगों को भेजा जाए, एआर जोशी को भेजा जाए, ओम प्रकाश को उसको भेजा जाए, भंते करुणाकर को भेजा जाए, और तुमको भेजा जाए, नागपाल को भेजा जाए, जो बोलने वाले लोग हैं, जो चुप्पा साधे हुए हैं, जो भीगी बिल्ली बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को कोई भेजने की पार्लियामेंट में जरूरत नहीं है। बुद्धिज्म को बढ़ा रहा है आरएसएस। अरे बहुत बढ़ा रहा है बुद्धिज्म। जगन्नाथपुरी का मंदिर हमारा, उस पर कब्जा करे बैठा है। बुद्धगया का मंदिर हमारा, उसमें शिवलिंग लगा दिया है, बड़ा बहुत कब्जा कर रहा है। और साकेत जो है अयोध्या में, वो पूरी की पूरी हमारी बौद्धों की जमीन है, उस पर कब्जा करे बैठा है, और आप कह रहे हैं बुद्धिज्म बढ़ा रहा है। बुद्धिज्म कब बढ़ता है? जब मोदी जी जापान जाते हैं। बुद्धिज्म कब बढ़ता है? जब वो बर्मा जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, और वो जो है जाते हैं कहां पर? ये श्रीलंका। तो मेरी बात सुनो ना, वो अरे पत्नी बुद्ध की धरती से आए, ये विदेशों में जाते हैं तो बौद्ध धर्म के लोगों से, बुद्धिस्ट कंट्रियों से धन लेने के लिए कहते हैं हम बुद्धिस्ट कंट्री से आए हैं, और यहां आते हैं तो बुद्धिस्टों पर जुल्म करते हैं, बुद्धिस्टों का झंडा नहीं फहराने देते, बुद्धिस्टों को चलने नहीं देते, बुद्धिस्टों के कदम कदम पर विरोध करते हैं,
बुद्धिस्टों के बौद्ध बिच्छुओं पर हमले करते हैं, बुद्ध बिच्छुओं के बिहारों पर, अभी एक बिहार में मध्य प्रदेश में। किस पार्टी से है, कहां से पैसा आता है आपको फंडिंग? मेरे पैसा, मेरे करोड़ों लोग हैं जो पूरे देश में मुझे जानते हैं, वो मुझे एक एक रुपया देते हैं, मेरे पास करोड़ों रुपया आता है उससे चला जाता हूं। क्या होगा इंडिया की एनडीए? ओ इंडिया, माई इंडिया, माई लवर इंडिया, माई लव इन इंडिया, इंडिया आएगी और इंडिया इसको पछाड़ेगी। और इंडिया में आने वाले समय में ये जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, चाहे बहुजन समाज के हो, चाहे वो अन्य समाज के हो, आरएलडी हो, सपा हो, अन्य छोटे छोटे दल हो, उन सब लोगों को एक जगह आना है और बीजेपी को हराना। इंडिया में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया में प्रधानमंत्री वो बाद की बात है, वो बाद की बात है, कोई भी बनेगा बाद में बैठ के बात कर लेंगे, अभी से कोई जरूरी नहीं है। अभी से प्रधानमंत्री बनाएंगे तो फूट पड़ जाएगी, लोग कहेंगे मैं बनूंगा, लोग कहेंगे मैं बनूंगा, अरे नीतीश कुमार जी कहेंगे मैं बनूंगा, मायावती कहेगी मैं बनूंगा, अखिलेश कहेंगे मैं बनूंगा, बनते करुणाकर कहेंगे मैं बनूंगा। टीवी अखबार कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। भाई मोदी को तो हम आने नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए, और मोदी आता है तो अब के क्या होगा, इस देश के ये टुकड़े करा देगा। यदि मोदी जी आते हैं, बीजेपी आती है, तो हमको ये दिख रहा है, इधर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इनके हिंदू राष्ट्र में रहेगा कौन? हिंदू राष्ट्र में बड़ी व्यवस्था है, हिंदू राष्ट्र में छुआछूत है, हिंदू राष्ट्र में ऊंच नीच है, हिंदू राष्ट्र में भेदभाव है। भैया जिसको रहना है उसको रह लो, हम तो रहेंगे नहीं, हम तो बौद्ध राष्ट्र में रहेंगे। मुसलमान कहेगा हमें और भारत जाएंगे है? अगर ये हिंदू राष्ट्र भारत बनता है तो आप भारत छोड़ के कहीं और जाएंगे? अरे इनके बाप का देश है क्या? इनके बाप ने बनाया क्या सड़कें? इनके बाप ने बनाई? ये जितना भी काम चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही, इनके बाप ने बनाई? मंदिर हमने बनाए, ये सड़कें हमने बनाई, रेलगाड़ी हमने बनाई, बसें हमने बनाई, हॉस्पिटल हमने बनाए, कॉलेज हमने बनाए, इनके बाप का है? क्या बात कर रहे हो, ऐसी की तैसी कर देंगे हम? विदेश चले जाओ, अरे बाबा साहब पर इतना जुल्म हुआ तो बाबा साहब तो गए नहीं विदेश, बाबा साहब ने कहा मैं अभी भी भारतीय हूँ, बाद में भी भारतीय रहूंगा और भविष्य में भी भारतीय रहूंगा। क्या ये हो जाएगा कि आपको वो बाहर नहीं भेजेंगे और ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा? अरे भाई बाहर भेज देंगे ये कौन हो? अकेले कहने से हो जाएगा क्या? अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मैं करोड़ों लोगों की आवाज हूँ, 11 करोड़ लोग मेरे चैनल को बनते करुणाकर को सुनते हैं, अकेला नहीं हूँ मैं इसको धीरेन्द्र शास्त्री को भी देखूंगा और जितने भी नंदेश्वर बाबा हैं, कौन से खंडेश्वर बाबा हैं, और जो वो झटका वाले बाबा हैं कि लटका वाले बाबा, सबको देखूंगा अकेला। 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, तो आपके 11 करोड़ आदमी क्या कर लेंगे भारत में? 11 करोड़ नहीं, 1 करोड़ आदमी सब कुछ कर लेगा, और यदि 1 लाख आदमी समर्पित मिल जाए, बलिदान देने वाले 1 लाख आदमी बहुत होते हैं। कटवा देंगे तुम्हारा 50 लाख रुपए देके किसी को भी, वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे।